नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में एक ताज़ा खबर के साथ। दिल्ली के कापासेड़ा के एक ही इमारत में निकले 41 लोग कोरोना पॉजिटिव। जी हां, आज की खबर इसी के ऊपर होने वाली है। दिल्ली राजधानी में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। यह निजामुद्दीन मरकज जैसा एक और मामला सामने आया है। दक्षिणी पश्चिम दिल्ली के एक कापासेड़ा इलाके में एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 41 लोग कोविड-19 महामारी से संक्रमित पाए गए। मिली जानकारियों के अनुसार इस इमारत में 18 अप्रैल को पहला केस सामने आया था। कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि होने के बाद इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। सभी लोगों का सैंपल लिया गया था और NIB नोएडा में जांच के लिए भेजा गया था। आज रिपोर्ट आई तो 41 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, तो ये बहुत ही बड़ा मामला है। अब ये 41 लोग किन किन लोगों से मिले होंगे, उनकी भी जाँच होगी, उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाएगा। तो दिल्ली के लिए समस्याएँ बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन सुधरने की जगह है। बता दें कि कापासेड़ी की आबादी 25 लाख से अधिक बताई जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, दिल्ली और गुड़गांव की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर रहते हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 3,738 केस मिल चुके हैं। इनमें से 1,167 ठीक हो चुके हैं, वहीं 61 लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और साथ में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।